नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां की सरकार एक कान में तेल डाल के सो गई है, सुनने को तैयार ही नहीं है। आए दिन हमारे राज्य के युवा रोज़गार को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने एक ही चीज़ किया है। जब भी हमारे देश के युवा सड़क पर उतरे हैं तो उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा है, क्योंकि इस राज्य में तो रोज़गार मांगना भी गुनाह है। आज 17 सितंबर है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, और आज के दिन को हमारे देश के युवाओं ने ट्विटर पर #NationalUnemploymentDay के नाम से ट्रेंड करा दिया है और ये ट्वीट आग की तरह ट्विटर पर फैल रहा है। आए दिन हमारे राज्य के युवा सड़कों पर निकलते हैं और रोज़गार की गुहार लगाते हैं। हमारे राज्य का बेरोजगारी दर 46.6% पहुँच चुका है, तो आप सोच ही सकते हैं कि बेरोजगारी ने किस कदर हमारे राज्य में पैर पसार लिया है। और उसके बाद जब हमारे राज्य के युवा सड़कों पर उतरते हैं तो प्रशासन द्वारा उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। क्या उम्मीद करें हम उस राज्य से जहां हम अपनी काबिलियत को दिखा दिखा कर थक जाते हैं, लेकिन सरकार ये नहीं सुनती कि हमारे देश में युवाओं को रोज़गार चाहिए, क्योंकि अब इस राज्य के युवा अन्य राज्य में जाकर के नौकरी करने को तैयार नहीं है। मांग सिर्फ एक ही है कि अपने राज्य में रोज़गार मिल जाए। पटना में बेरोजगारी के विरोध में पटना के डाक बंगला चौराहे से बेरोजगार युवाओं ने राजभवन तक मार्च किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। वहीं पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारी को हाईकोर्ट के पास रोका और सभी को हिरासत में ले लिया। जिस तरह से पिछले 15 वर्षों से नीतीश सरकार इस बिहार के साथ छलावा करने का काम कर रही है, युवा यहाँ का दर बदर की ठोकरें खा रहा है, रोजगार के नाम पर बिहार शून्यता की तरफ अग्रसर जहाँ हो रहा है, आज पटना का युवा इसके खिलाफ मुखर होकर के सड़कों पर उतरा है और इस तानाशाही सरकार से मांग करता है कि हमें मूलभूत सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रदान किया जाए। और हम पटना जंक्शन से चल करके राजभवन जाकर माननीय राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे और इस ज्ञापन के माध्यम से नीतीश सरकार को चिताने का काम करते हैं कि आपके कुर्सी पर अब खतरा युवा बन चुका है। अगर हमारे विषय में आप नहीं सोचते हो तो निश्चित तौर पे इस 2020 के चुनाव में हम आपको लात मार के भगाने वाले हैं। अब इस राज्य से उम्मीद करना ही पाप है, क्योंकि जब जब आप इस राज्य में अपने हक के लिए आवाज़ उठाओगे आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकारें सही होती है और आम जनता गलत। बहरहाल, इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।